एक सन्यासी ने सीएम बनते ही अपने कड़क इरादे जाहिर कर डाले, न खाएंगे न खाने देंगे, मोटी चमड़ी वालों को काम करना ही पड़ेगा और जनता की चाकरी करनी ही पड़ेगी। 15 दिनों के भीतर मंत्री देंगे संपत्ति का ब्यौरा। ये सबसे पहला बड़ा और ऐतिहासिक फैसला था आदित्यनाथ का, फैसला ऐसा जिसने कई मंत्रियों को भी चौंका दिया। भले ही वो कैमरे पर कुछ ना बोले, मोदी सरकार का नारा न खाएंगे न खाने देंगे की तर्ज पर योगी ने मंत्रियों को इस फैसले के साथ चिता दिया कि पब्लिक का पैसा खाने की या उस पैसे से पैसा बनाने की सोचना भी मत। ये भी हमारे मंत्रिपरिषद के सदस्य हैं, उन सभी सदस्यों से आग्रह किया गया है कि अपनी आय, आपकी इनकम और चल अचल संपत्ति का पूरा ब्यौरा 15 दिन के अंदर संगठन को भी देना है और मुख्यमंत्री जी के सचिव को भी देना है। हमने पार्टी विद डिफरेंस का नारा दिया था, बिल्कुल। तो हम सबसे पहले जो हमारे संकल्प पत्र के जो बिंदु है उनका क्रियान्वयन हम प्रभावी ढंग से करेंगे, बिल्कुल। और साथ ही सभी माननीय मंत्री 15 दिन के अंदर अपनी अपनी संपत्ति की घोषणा करेंगे। हमने अपने संकल्प पत्र के अनुरूप अपनी अग्रेतर कार्रवाई करने की बात कही है, उसे हम सुनिश्चित करेंगे। 15 दिनों के भीतर अधिकारी देंगे संपत्ति का ब्यौरा। यूपी के अधिकारियों की संपत्ति तो देश दुनिया में शोभा पाती है। पब्लिक की चाकरी करने वाले अधिकारी करोड़पति हो गए और पब्लिक कंगाल, लेकिन अब वो जमाना गया। अब योगी राज है, जहाँ अधिकारियों को भी 15 दिनों के भीतर अपनी संपत्ति घोषित करने का आदेश योगी ने जारी कर दिया है। जिसने अपनी संपत्ति घोषित की उसके लिए तो ठीक, और जो आनाकानी करेगा, समझो प्रमोशन से लेकर सीआर तक सब खराब कर देंगे सीएम योगी। मंत्रियों के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया है, उसी प्रकार से सभी अधिकारियों को भी कहा गया है कि वो भी अपने संपत्ति का ब्यौरा। कानून व्यवस्था पर डीजीपी को 15 दिनों का अल्टीमेटम। पुलिस हनक से चलती है, लेकिन पता नहीं यूपी पुलिस का हनक कहाँ चला गया। पता नहीं कब कहाँ किस मोड़ पर और चौराहे पर मौत बैठी है। ये डर आम आदमी के जहन में घर कर गया। अपराधियों का बोलबाला, आम आदमी के हौसले पर ताला, लेकिन अब ये बदलने वाला है। और इसलिए सीएम योगी ने डीजीपी को 2 बार तलब किया और 15 दिनों के भीतर कानून व्यवस्था सुधारने का अल्टीमेटम दे दिया। यही नहीं, बसपा नेता की हत्या की जांच कर फौरन कार्रवाई करने को भी कहा गया। चुनौती है, इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि जिस तरीके से दृढ़ता पूर्वक कानून व्यवस्था को ठीक करने की दिशा में प्रयास किया जाएंगे, निश्चित रूप से उन्हीं अधिकारियों से कानून व्यवस्था को हम उत्तर प्रदेश में ठीक करेंगे। और जो हमने घोषणा की है, अपराधी जेल में होंगे और निरपराधी कोई छेड़ेगा नहीं। संकल्प पत्र को पढ़कर विभागीय सचिव जल्द करेंगे लागू। चुनाव से पहले बीजेपी ने संकल्प पत्र जारी किया, जिसे सरकार ने अपना पत्र बना लिया है। ऋण माफी से लेकर सुशासन तक अब अधिकारी इसे लागू करेंगे। सरकार के इन संकल्पों को हर घंटे याद रखे, इसलिए सभी विभागों के सचिवों और प्रधान सचिवों को बुलाकर संकल्प पत्र की प्रति बांट दी गई। प्रदेश के सभी वरिष्ठ अधिकारियों के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी और हम दोनों, मतलब डॉक्टर दिनेश शर्मा जी और मैं स्वयं, दोनों उप मुख्यमंत्री साथ में बैठ करके बैठक लिए हैं। कुछ जो भारतीय जनता पार्टी का लोक कल्याण संकल्प पत्र था, उसके हिसाब से हमारी सरकार क्या चाहती है, ये अधिकारियों को निर्देश दिए गए, उनको जानकारी दी गई है और उसके अनुसार उत्तर प्रदेश में काम हो, इसका हम लोगों ने प्रयास किया। मंत्री नहीं करेंगे लाल बत्ती का इस्तेमाल। सीएम योगी के एक और फैसले ने पब्लिक का दिल जीत लिया। हुटर और लाल बत्ती के रुतबे के दिन गए, मैंडेट काम करने को मिला तो मंत्रियों को फौरन आदेश भी मिल गया कि लाल बत्ती छोड़िए और आम आदमी बन जाइए। रोजगार, किसान और युवाओं के मुद्दे पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं। बीजेपी की प्रचंड जीत के पीछे किसान और युवाओं का सबसे बड़ा योगदान था, योगी बाबा ये कैसे भूल सकते थे। इसलिए सीएम साहब ने भी कह दिया, रोजगार, किसान और युवाओं के मुद्दे पर लापरवाही कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने विकास और सुशासन के माध्यम से सबका साथ और सबका विकास का जो संकल्प लिया है, उसका पूरी तरह अनुसरण करते हुए प्रदेश सरकार राज्य की जनता की सेवा करेगी। आम जनता के कल्याण के लिए और उनके उत्थान के लिए
अविलंब प्रभावी कार्रवाई शुरू करेगी। लोक कल्याण के प्रति समर्पित यह सरकार बगैर किसी भेदभाव के समाज के सभी वर्गों के लिए समान रूप से कार्य करेगी। इसके लिए शासन प्रशासन को संवेदनशील और जवाबदेह बनाया जाएगा कि विकास का आधार बने। कृषि किसान तथा खेतिहर मजदूर इन तीनों के विकास के लिए हर स्तर पर प्रयास किए जाएंगे। भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति, लोग कहने लगे हैं मोदी आए तो भ्रष्टाचारियों की नींद उड़ गई और यूपी में योगी आए तो यूपी के भ्रष्टाचारियों की नींद उड़ गई। न खाएंगे और न खाने देंगे की नीति पर चलने का योगी ने भी फैसला कर लिया और ऐसे में सभी अधिकारियों को भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने का सख्त निर्देश दिया गया है। देखिए, प्रारंभ से ही हम लोगों ने सार्वजनिक सभाओं में जो भाषण किया था, लोगों के बीच में घोषणा पत्र न कह करके उसे संकल्प पत्र कहा था, तो उसके पीछे का भाव ही यही था कि हमने प्रतिबद्धता जाहिर की है। हमने जो बिंदु जनहित की दृष्टि से सुनिश्चित किए थे उसको हम पूर्ण करेंगे। सारे अफसरों को दिलाई गई स्वच्छता की शपथ। पूरे देश में मोदी ने स्वच्छता अभियान प्रारंभ किया, फिर प्रचंड जीत वाले प्रदेश में पीएम के इस अभियान को योगी कैसे लागू ना करते। फौरन इस सन्यासी ने सीएम का पद संभालते ही अधिकारियों के लिए भी स्वच्छता की शपथ अनिवार्य कर दी। चिंता नहीं की, 5 साल एक्शन करना है, एक ही दिन थोड़ी करना। जितना ज्यादा ज्यादा जनता को दे सकते हैं पूरी शक्ति के साथ में देने की कोशिश करेंगे। मतलब योगी ने संकेत दे दिया, काम करने वाले अब पूजे जाएंगे और बेईमानों की खैर नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार प्लस।